नाजरीन अज सिंध असेंबली की बजट आए पेश थे थी वह बजट जो एम पी ए जो मिनिस्टर साहब आने उनको पुछूँ था अचो तो उ बजट पेश क्यों ये गरीब दोस्त बजट आए गरीबन के लिए कि नहीं गरीब दुश्मन बजट आए पर ये जो भी आज सभी गाल बोल कंदासी पहुँचाइंदी जरूर तुम शेयर कद लाइक कद वही मेहरबानी थी पेश थी सिंध की इनके कें था ऐसो अवाम की बजट आ कि न अवाम दुश्मन बजट आ सीनियर आयो सिंध असेंबली में तो हि काडे पे वे दौर गरीब मिस्किन काडे वे घी ऐसो खीर ऐसो हर शे दाल का वी तो इन गरीबन जो कोशिश ना महंगाई के तमाम परेशान है गवर्नमेंट के सोचने खे गवर्नमेंट पानी तरफ कोशिश करे पी अल्लाह तला कामयाब करे तकलीफू कोशिश ना बजट में क्रेडिट मिली स्टडी क्या खबर थैंक यू सर थैंक यू अल्लाह सही खुश साई सदर साहब ये जो बजट पेश थी दोस्त अवाम आ कि अवाम के दुश्मन बजट आई अवाम दोस्त है असल में तक पा खबर आ बजट जी इफेक्ट कंदी वह मरकजी बजट घनी अवाम की जिंदगी से इफेक्ट कंदी जाहिर आ सुबह आज इंडिपेंडेंट इतने का भी टैक्स न ही आ काफ़ी शयन के अंदर रिलीफ दिनी आज टैक्स हुई खत्म कई असा यह 1713 बिलियन जी आए फुल बजट जैमें 469 बिलियन डेवलपमेंट जहाँ दिना इंशाल्लाह ताला मां पान दिठो मुझे इलाके में काफ़ी जो नयी स्कीम दिन व्यून अड़ी तरह बेन मेम्बर के इलाक में भी दिन व्यू हूं अस उनके प्रपोज क्योंस इंशाल्लाह ताला उन में इन बजट को सुठा असरात पौधा पूरे सिंध से इंशाल्लाह सर मां एको निकतो विजिट ते सिंध जा रोड जके जिलन जा रोड हैं तबाह लगा पे हैं उन दे डांबर ही कोने ये रोड जे मतो पत्थर विछाना मतो डांबर ही हल्या यो केंजो डो आ या सिंध धरती खना ये छो कयो दो बिल्कुल तारी गाल सही है पर हाने इंशाल्लाह ताला जो को मां थोड़ी स्टडी कई है मुख्तसर टाइम में उनमें काफी एड़ा होया जे कि जे मिसाल पोएं दफे असा के स्कीम मिलियो उनमें फुल 25% उन पैसा रिलीज थे हाँ सुठी गाल कई है मुराद अली शाह उनमें जो पैं 75% वन गो सब उ रिलीज कर छाया तो उनमें तारी गाल सही है जिते मान घट पैसा हूँ वो ठेकेदार उनमें पत्थर विछा कर हलिया वादा महसूस यो थो हाँ ये कम नी पैसा खाई हाँ दिखो तो इन दफे यहाँ तमाम सुठी गाल डेवलपमेंट घट भी पैसा रखा वह खड़ी पर जो ऑनगोइंग स्कीमें तकरीबन उनके फुली फंडेड किया वो जी तुम शिकायत आ इंशाल्लाह ताला तुम दिसदा इन साल यह शिकायत दूर थी थैंक यू सर थैंक यू वालेकुम सलाम अज जका बजट पेश थी तो उनमें कड़ी गरीबन के कड़ी सहूलत तुम सिंध असेंबली में इजलास मचो था अवाम चूंडे थी अचे जहाँ मखसूस सीट मिले थी पर अवाम के फायदो दिखो गिह किथे आ खीर किथे आ गरीब भुख था मरन ये बदवाऊ न दींदा हूँ सिंध असेंबली बिल्कुल वह बदवाऊँ सिर्फ अवाम मुश्किल टाइम में है उनसा को डिनाई केयर करे को सके ये बदवाऊँ सिर्फ सिंधी न बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम के मिलन पे जैसे तुम पेट्रोल कीमतू वन थी जैसे डॉलर की कीमतू वन थी तो उनमें अचन थी सिंधु हुकूमत कोशिश कई है तो सुनो बजट पेश करूँ अवाम की टैक्स जो वजन न रखूँ सैलरी वाले रिलीफ दूँ अस अलाउंस दूँ उन्होंने तो प्राइवेट सेक्टर के भी इन्वॉल्व कर सेल्स टैक्स घट कर जी सिंध हुकूमत की वस में कोशिशों क्यों कर रहा इन मुश्किल टाइम में सेल्स मतलब टैक्स फ्री बजट पेश करो वो कदम है जो सिंध हुकूमत कर सुबह सिंध के लोगों अपनी आंखें खोलो आज जो मिसाल सुबह सिंध के अंदर पैदा हुई है आज जो सुबह सिंध के अंदर डाका लगा है ये मिसाल सारी जिंदगी क्या पूरी दुनिया में आपको नहीं मिल सकती। दो साल पहले इन्होंने फिरदौस तकरीर की किताबें छीन ली सॉरी सॉरी मैं चाहूंगा कि दुआ जुबैर हमारी एमपीए दुआ बटो अपनी जबान में अपने अल्फाज में खुद बयान करें कि इनके साथ इन्होंने आज क्या किया जिस तरह से इन बगैरतों ने इनकी एमपीएस बगैर इनकी कोर्ट से बगैर
हमने बोलने पे छके, जिस तरह से इस चुड़ैल ने इसका तीन चांदियों ने मेरे पर सीधे इंस्ट्रक्शन मिले हुए थे कि मेरा फोन छीन है, मेरा फोन मेरे पे हमला करके मुझसे फोन छीन है। इसने बाकायदा मुझे नोचा, मेरे पर हमला करने की कोशिश की, इसके पास रहे, इसने मेरा फोन छीना। मैं खुद परेशान थी, स्टूडेंट को हो क्या गए, ये पागल क्यों हो गई, आ जाके दवाई खा कर गया घर से, लेकिन उसको इंजेक्शन मिले हुए थे कि इससे फोन छीने। तो आप एक औरत के मोबाइल से क्या निकालना चाहते हो? बजट तो आप लोग पूरा सिंधी पूरा खा गए हो, उससे वैसे ही मांग लेते मोबाइल फकीरों गरीबों। मैं आप लोगों को दे देती, ऐसे खैरात में दे देती अपना फोन, मेरे फोन से क्या निकालना चाहते हो? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे फोन में। और उसके बाद जब इसे कंजूम चांदियों ने फोन छीन के मुनव्वर वसान को दिया, मुनव्वर वसान भागा उसके पीछे, मैं खुद भागी, तो इनके एनपीएस जो इनकी एनपीएस जो इनके मर्द खड़े हुए थे उन्होंने बाकायदा मुझे जेल से धक्के दिए। मैं मुझे रोकने की मुझे रोका, उन्होंने मुझे धक्का देके किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने दुपट्टा पकड़ा। ये क्या इसका रिवायत है, ये सिंध की रिवायत है कि आप असेंबली के अंदर ही औरत के दुपट्टे खींचे, कमीजे खींचे, उसको रोके, उसका हाथ डाले। ये इन्होंने अपनी औरतें हमारे मर्दों के ऊपर चलाने के लिए बैठी थी, उनसे लड़े होते, क्योंकि ये खुद तो कुछ करते नहीं है, अपनी औरतें आगे कर देते लड़ने के लिए। हम पूरा खुद एहतजाज कर रहे थे, मेरा फोन छीना, मुझे मारने की कोशिश की, उसको चुड़ैल ने, उसको चूम चाड़ियों ने, उसको सिर्फ इसी चीज के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, लड़ने के लिए, छीनने के लिए, मांगने के लिए। ये गुटिया यहाँ पे इन्होंने पैदा की हुई है यहाँ पर, और सिंध के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं करना। सीएम खुद वहाँ पे मौजूद थे, सीएम खड़ा हुआ था, उसने खुद हिदायत दी की छीनो, बिल्कुल मैंने खुद देखा था, पहले उसको बोला है, उसको दिया मुनव्वर वसान, तो मुनव्वर वसान होता तो अस्पतालों के निजाम को ये बेहतर करते, लेकिन क्योंकि ये सरदारी लीग है, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात नहीं है, इन्होंने यही कर दिया। मेरा सवाल है इस मुल्क के इंपोर्टेड फॉरेन मिनिस्टर से, जो ह्यूमन राइट्स का भी चैंपियन बना फिरता है, वो पता है कि वो अपनी एमपीए कुलसुम चांडियो और उसके साथ साथ मुनव्वर वसान जो कि असेंबली में चोर है, जो लेकर आई है कर महंगाई लेकर आई है, जो एक बुरा हाल इससे किया हुआ है, उसके लिए लड़ रहे थे। दो घंटे हम खड़े वहां पे कर रहे थे, इन्होंने प्लानिंग बनाई हुई थी, पहले आए एमपीएस सिद्रा का मोबाइल छीनने की कोशिश की, बदतमीजी की, आखिर के लिए दुआ के हाथ से ये हाल है मुनव्वर वसान, जो तुमने एक औरत के ऊपर हाथ डाल के मोबाइल छीना है। तुम लोग समझते हो क्या तीनों के मोबाइल ऐसे रह जाएंगे? ये साबित हो गया आज के चोर चक्के जो घूम रहे हैं उनकी सरपरस्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैठे इस सिंध असेंबली के अंदर, ये उनकी तर्जुमानी भी कर रहे हैं और ये उनकी हिफाजत भी कर रहे हैं। ये चोर है, कहता रहा इमरान खान, बार बार कहा इमरान खान। सिंध असेंबली में मोबाइल वाला मसला है, तो ये क्यों आपकी मैडम जब शिव पे आपके साथ में रात दिन, आप ये क्या हुआ अभी जो इतना मसला कह रहे थे, तहरीक इंसाफ झगड़ा कर रही थी
तोड़फोड़ कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे। आपको पता है जब भी बजट होता है जो दूसरी पार्टी होती है वो बजट के खिलाफ अपना मौकफ पेश करती है और अपना एहतजाज करती है, और इस हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत में तो हमारा एहतजाज बनता है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेड IMF की हुकूमत है, ये एक इम्पोर्टेड IMF बजट है, ये महंगाई का बजट है, ये तेल का बम है, ये लोड शेडिंग का बजट है। इसके ऊपर हम इत्तेजाज कर रहे थे कि आपने गुज़िश्ता 15 सालों में सूबे को किस तहज पे पहुंचा दिया है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पेट्रोल जो है आसमान को छू रहा है, डॉलर जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है, इस पर हम इत्तेजाज कर रहे थे। उस पर इन लोगों को, उनके मर्दों को आए, उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की, और हमारी एक जो खातून MP है दुआ भुट्टो, इनकी एक MP है पीपल्स पार्टी की, नहायत ही गैर महज़ब किस्म की खातून है कुलसुम चांडियो, उसने आई, उसने अटैक किया, हमला किया, दुआ से उसका मोबाइल छीना, जब उसके हाथ नहीं लगा तो पीछे से इनका एक और MP है मनवर वसान, वो आया लेके भागा और इनके तमाम MP ने उसको शाबाशें दी और उसको भगाया। ये तरीका है, आप मुझे बताएं, सड़क पे मोबाइल छीनना और यहाँ पे असेंबली में मोबाइल छीनने का क्या इनका, इनको एक औरत मोबाइल से लेना क्या है, इनका मकसद क्या है? ये बदतमीजी वायाती नहीं है, चोर पार्टी की चोर हरकतें, यही मैं कह सकती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू, अल्लाह चोरों के खिलाफ FIR कटाने सिंध असेंबली के अंदर। अभी फरियादी तू थी भैया, बाबा ऐसा लोग चोरी होते हैं, फरियादी था 5-3 लोग मोबाइल चोरी होते हैं, बिलावल जरदारी तुम्हारे MPS ने खातून MPA का मोबाइल चोरी किए, ऐसा थोड़ी हम बोल देते हैं, यहाँ पे चोर बैठे हुए सिंध असेंबली में। नाज़रीन अचो त भा दोदे खां सीनियर रिपोर्टर आहे, अॼु सिंध असेंबलीअ जी बजेट पेश थी आहे। भा दोदा, सिंध असेंबलीअ जी बजेट पेश थी आहे, त हीअ केतिरी बजेट पेश कयूं ऐं बजेट में कहिड़ियूं सहूलियतूं अवाम जे लाइ रखियूं अथऊं? ॾिसो त ग़रीब वीचारा मिसकिन बुख था मरनि, पेट्रोल किथे पहुतो आहे वञी, गिहु तेल, कंहिं कंहिंजी ॻाल्हि कयूं जेको माण्हुनि खे झोरे विधो अथई, उन तव्हां केतिरी बजेट पेश थी आहे, CM पेश कई? ॾिसो, हीअ बजेट 17 अरब खां मथे जी बजेट आहे, पर हिन बजेट जे अंदरि जेको 80% बजेट आहे उहो आहे शाही ख़र्चनि ते, यानी पघारूं वज़ीरनि जूं ऑफिसूं ॿिया जेके स्टेशनरूं उन ते आहिनि, यानी उहे जेके 80% बजेट आहे उनजो को तालक आम माण्हू सां कोन्हे। 20% बजेट आहे, को 4.5 अरब जे लॻभॻि 80% बजेट आहे जेका तरक़ियाती बजेट आहे, यानी जेका डेवलपमेंट आहे, जेको माण्हू जी अस्पताल, स्कूल, रोड, को पीअण जो पाणी, इन सां तालक रखे थी। उन में बि हिन में वॾो हिसो जेको आहे 80% उहो रखियो आहे त जेके स्कीमूं गुज़िरियल साल खां हलंदियूं हुयूं स्कूलनि जूं, अस्पतालनि जूं, या उन में रखियो अथनि। 15% पघार जेको वधायो अथनि, इहा हिकु सुठी ख़बर आहे, पर जनरली तौरु मूं जेको हिन गोड़ में सॼे माहौल में ॾिठी त मूंखे ज़रात एग्रीकल्चर जेको बेसिक सोसाइटी जो वॾो हिसो आहे उनजे लाइ, या जेको पोरियत तबिको आहे जेको ॾियारी ते मज़दूरी करे थो उनजे लाइ, या जेको आम तौरु माण्हू जेको ॿाराड़ी जी अस्पताल, हुन चयो त असां अस्पतालूं कराची NICVT सकर में ठाहींदासीं, शिकारपुर में बि अंदरि, पर आम जेका बेसिक अस्पताल आहे नंढी BHU जिते माण्हू रोज़ु वञे थो, उनजे हवाले सां मूंखे का अहिड़ी वॾी वॾी बजेट नज़र न आई। ज़्यादातर जेके आहिनि ख़र्चनि जी बजेट आहे, ऐं बुनियादी तौरु चयो त हिकिड़ी असां बजेट टैक्स कोन लॻायो आहे, ऑलरेडी तव्हां ॾिसो त अहिड़ा एतिरा टैक्स आहिनि त तव्हां बिना का शइ कोन्हे, मानी था खाओ होटल ते तरफ़ टैक्स आहे, तव्हां पेट्रोल ते तव्हां टैक्स आहे, हर शइ ते टैक्स आहे, तंहिं करे अञा नवां टैक्सनि जी गुंजाइश बि कोन आई, तंहिं करे जेको जंहिं हिसाब सां महांगाई आहे, पेट्रोल वधियो, हिन तरफ़ जेका रिलीफ जी उमेद हुई उहा असांजी नज़र कोन आई। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, हिन वक़्तु आऊं सिंध असेंबलीअ में मौजूदु आहियां, सिंध जे CM बजेट पेश जेका कई, जो खज़ाने जो उहो उन वटि मिनिस्ट्री आहे, शायदि खज़ाने जो मिनिस्टर न आहे, सो उन करे तव्हां MPA जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, मिनिस्टर जूं बि ॻाल्हियूं ॿुधियूं, तहरीक़ इंसाफ़ वारनि जूं बि ॻाल्हियूं ॿुधियूं, पर अहम ॻाल्हि इहा आहे त दुआ भुट्टो खां सिंध असेंबलीअ में मोबाइल फुरी वई, सॼो जेको बि सिंध असेंबलीअ में बजेट पेश थी आहे सॼी मीडिया ओॾे हली वई, त जेका मोबाइल फुर थियण तां उहे हिन वक़्तु FIR कटाइण विया आहिनि थाणे ते, उहे FIR वठनि जा उनखां न वठनि, पर इहा मोबाइल उन खां फुरी वई आहे, ऐं सिंध इहा जेका बजेट पेश थी आहे 15% जेके वधाया अथऊं ग़रीबनि जूं पघारूं जेके मुलाज़िमनि जूं, सो अॻिते हली ॾिसजे त इहा आवाम दोस्त जेका आहे बजेट आहे या आवाम दुश्मन, हर शइ चढ़ी वई आहे, ग़रीब पुतल जी वियो, हादी सांगी, कराची सिंध असेंबली।